नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में, आपके साथ नेहा वर्मा। कांग्रेस नेता व आदमपुर विधायक कुलदीप बिश्नोई इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद आज पहली बार परिवार सहित आदमपुर आए। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई काला धन नहीं है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मीडिया में चर्चा है कि हमारे पास 200 करोड़ का काला धन है, लेकिन कोई साबित करके दिखाए। साथ ही नीरव मोदी से संबंधों को भी उन्होंने मीडिया की मनगढ़ंत बात करार दिया। कुलदीप बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं से कहा, मैं 32 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं, मैंने हमेशा ईमानदारी और सिद्धांतों की राजनीति की है। मेरे खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, इसमें साजिश की बू आ रही है। मैंने ना तो कभी सरकार में रहा हूं और ना ही मंत्री बना हूं, तो मेरे पास काला धन आएगा कहां से? बीजेपी सरकार मेरी साफ सुथरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। कुलदीप बिश्नोई ने हीरो के बिजनेस के बारे में बोलते हुए कहा कि आज तक उन्होंने ऐसा कोई बिजनेस नहीं किया है। उन्होंने आज तक केवल एक ही बार हीरे की अंगूठी खरीदी है, जो कि उन्होंने अपनी पत्नी को सगाई के समय दी थी। उनके परिवार का कोई सदस्य आज तक दक्षिण अफ्रीका में नहीं गया, जबकि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वहां हमारी हीरो की खान है। मेरे परिवार में कोई भी आदमी जिंदगी में साउथ अफ्रीका जाना तो दूर वीजा लगवाया हुआ ही दिखा दे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा, वे आदमपुर की जनता के सामने साफ करते हैं कि उनके भाई बेटे ने कभी भी किसी भी प्रकार का गैर कानूनी काम नहीं किया, ना ही करेंगे। ईमानदारी से राजनीति की है और आगे भी ईमानदारी से ही काम करूंगा। साथियों, आप मुझे 32 साल बचपन से जानते हो वैसे तो, लेकिन 32 साल से मैंने राजनीति आपके बीच में करता आ रहा हूँ। मैंने हमेशा बहुत ही ईमानदारी की, स्वाभिमान की और सिद्धांतों की राजनीति की है। मुझे नहीं पता जिस प्रकार की खबरें या अखबारों में टीवी में छिपा रहे हैं, काले धन की बात है या और बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। मैंने पाक साफ रखा है। जिंदगी में मैं किसी सरकारी पद पे नहीं रहा, कभी मंत्री नहीं रहा, मुख्यमंत्री नहीं रहा, कोई और पद पे रहा। काला धन आएगा कहाँ से? खाना घर कमाएंगे कहाँ से? कोई बच्चा भी समझ सकता है इस बात को। लेकिन मेरी छवि खराब करने का बहुत जबरदस्त साजिश हो रही है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि कुलदीप बिश्नोई ने हमेशा जैसी ईमानदारी की राजनीति की है, आगे उससे बढ़ के ईमानदार राजनीति करके आपको दिखाऊंगा। पाक साफ था, पाक साफ हूं और पाक साफ रहूंगा, ये साबित करके मैं आपको दिखाऊंगा। हैरानी की बात है, कह देते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका में ईरान तो व्यापारी है, हीरा तो रही दे पाओगे जी। मेरी लुगाई का एक ईरान की अंगूठी है भाई, ब्याह में दिए। पासपोर्ट भी सरकार के पास, मेरे परिवार में मेरे वो भव्य, मेरा पूरे परिवार में कोई भी आदमी जिंदगी में साउथ अफ्रीका जाना दूर की बात है, वीजा ही लगाना कोई बता दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उसी वक्त कोई खान खरीदा, कोई धंधो करे आदमी तो देख चीज देख रही खरीदे लो यार, कितने क्या बंद रुपया लगा दे। कोई मेहुल चौकसी की बात करते हैं या नीरव मोदी की बात अखबारों में आई, मैं या मेरा परिवार पहली बार जब ये स्कैंडल हुआ नीरव मोदी का और ये जो मेहुल चौकसी का, पहली बार जिंदगी में उनके फोटो मैंने देखे होंगे, मिलना दूर की बात। तो साथियों, सारे मन धड़क बातें हैं, आपका भाई लंबे भाषण में नहीं दूंगा। आपका भाई आगे बेटा एक आने का काला धन कुलदीप बिश्नोई जिंदगी में ना कमाया ना कमाएगा। ये आपके आजादपुर मंडी में खड़ा हो गया बीच में कहते मैं चाहता हूँ, अखबार में कुछ आए, टेलीविजन में कुछ आए, आप किसी भरोसा मत करो। अपने भाई अपने बेटे भरोसा रखो कि कुलदीप बिश्नोई हमारा पाक साफ आदमी। और एक बार पुनः मैं किसी से डरता नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।